खबर पीलीभीत जनपद से, जहां जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा दिनांक 10/6/2022 को गांधी स्टेडियम में जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के तत्वाधान में 3 दिवसीय जनपद स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जिला खेल विकास प्रोत्साहन द्वारा जनपद की पहली प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा निष्क्रिय जिला विकास प्रोत्साहन समिति को सक्रिय करते हुए यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनपद के समस्त विकास खंडों से 16 क्रिकेट टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। टूर्नामेंट का पहला मैच ललौरी खेड़ा क्रिकेट क्लब एवं इंडियन चैंपियनशिप के माध्यम जिलाधिकारी द्वारा टास्कर गांधी स्टेडियम में प्रारंभ किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आए खिलाड़ियों से परिचय करते हुए टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। आपको बता दें, जिलाधिकारी द्वारा लकी ड्रा से विभिन्न टीमों के मध्य खेले जाने वाले 8 मैचों का आयोजन किया गया, जिसमें दूसरा मैच ड्रमंड कॉलेज में विद्या मंदिर एवं रॉयल टांडा के मध्य खेला गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी, सदर जिला क्रीड़ा अधिकारी व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। जनपद की खेलकूद प्रोत्साहन समिति द्वारा जनपद स्तरीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। पिछले कुछ दिनों पहले जब इसकी समिति की बैठक ली गई थी, तो निर्णय लिया गया था कि लगातार इस तरह के खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग खेलों के टूर्नामेंट होने चाहिए। इसमें 16 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और ये टीमें अलग अलग क्षेत्रों से, अमरिया, बिलसंडा, बीसलपुर, अलग अलग दूरदराज क्षेत्रों से आई हैं। ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आए हैं, उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का जनपद के स्तर पर मौका मिलेगा। संडे को यानी रविवार को इसका फाइनल होगा और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी टीमें यहाँ से जीतेंगी, बच्चों की प्रतिभाएँ सामने आएंगी और उसके बाद जो यहाँ से निकल के प्रतिभाएँ आएंगी, उनको कोचिंग दिला के हम लोग एक जनपद की टीम भी तैयार कर पाएंगे। स्टेडियम का आखिरी मैच, चौथा मैच होगा, चौथा बीसलपुर की टीम। सबसे पहले जो भी हमारे अजीवन सदस्य यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि अपना समय निकालकर वो आए और इस आयोजन से जुड़े। टीम है या नहीं, सही करते हैं, जीत के जाओगे? अभी ये क्या है?